चीले का नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छे से पक गया है, तो हम इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। कैसे हो आप सब बताना ज़रूर। और आज मैं जा रही हूँ एक और रेसिपी बनाने, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं बनाऊँगी चीले, बेसन के चीले। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोग भी एक बार ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है नाश्ते के लिए। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये है बेसन, आप बेसन जितना आपको बनाना हो या जितने आपके घर में मेंबर हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इतना बेसन लिया हुआ है कटोरी में, तो ये बेसन है। और इसके साथ में मैं मिलाऊंगी, तो ये देखिए ये टमाटर, इसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और ये है धनिया, हरी पत्ती और प्याज, प्याज को भी ऐसे ही महीन टुकड़ों में काट लें। और ये है हरी मिर्च। और हम इसमें मिलाएंगे हल्दी, हल्दी ये रही, और थोड़ी लाल मिर्च और नमक, इतना इसमें हम मिलाएंगे। और इसको पानी डालकर इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ ये हल्दी, हल्दी डाल दी है। और हल्दी डालने के बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ली है। इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, इसमें नमक डाल दिया। और इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, और ये देखिए मैंने सारी जो भी इन लगता है चीज़ें तो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें डालने के बाद मैं अब इसमें डालूंगी पानी। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें ज़रा सा पानी और मिला देती हूँ। तो देखिए अभी ये बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए चीला। इतनी इसकी जो थिकनेस है इतनी ही होनी चाहिए। तो देखिए ये मैंने रखा है यहाँ पे तवा, और मैं इसी पे चीले बना के दिखाऊंगी। इसमें डाल देते हैं तेल,
तवे को नॉन स्टिक बनाने के लिए इसमें हल्का सा पानी और किसी कपड़े की सहायता से हम इसे पोंछ लेंगे। दोबारा मैं इसमें तेल डालूंगी। अब डालेंगे ये बीटर, ये देखिए। और इसको पूरे में फैला देते हैं ऐसे। चीलों को मैंने ऐसे पूरे तवे पे फैला दिया है, देख सकते हो आप लोग। और इसे पकने देंगे, जब ये एक साइड से सेक जाएगा तब हम इसे धीरे से पलटेंगे। और इसके चारों तरफ से डाल देती हूँ ये तेल। तो ये देखिए एक साइड से चीला पक चुका है। तो मैं इसको ऐसे देखिए धीरे से चाकू से किसी भी चीज़ से आप इसको छुटा सकते हैं। तो मैंने इसको छुटा दिया है और अब इसको पलट देते हैं। ये देखिए एक तरफ से चीला है ना, वो सेक करके रेडी है, एकदम से पक गया है। और नीचे साइड से भी हम पकाने के लिए इसमें हल्का सा तेल डाल देते हैं चारों तरफ से, ताकि नीचे भी पक जाए। तो ये देखिए चीला है ना, नीचे से भी पक गया है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। मैंने प्लेट में निकाल लिया इसे, अब दूसरा बनाते हैं। तो देखिए दूसरा भी मैंने तवे पे डाल दिया है बेटर। ये देखिए दूसरे साइड से भी मैंने पलट दिया है इसको। तो ये देखिए चीला बन कर के रेडी है। और इसको हम ना किसी भी टाइप से खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में हम खा सकते हैं चाय के साथ, या तो फिर हम किसी चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है ये, तो आप लोग देख सकते हो।